आप सभी कैसे हैं? अभी इस वीडियो में हम 35 में 212 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि डिवाइड के चिन्ह के बाद लिखी संख्या को डिवाइड करना होता है किसमें? इससे पहले लिखी संख्या में। 212 का डिवाइड करना है तो इसको हमने यहाँ लिख दिया। किसमें? 35 में, तो इसको बीच में लिखा है। बिल्कुल आसान तरीके से स्टेप बाई स्टेप समझ रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखने का कोशिश करें। डिवाइड कब कर पाएंगे? जब दिया गया संख्या इससे बड़ा हो। क्या ये बड़ा है? नहीं है तो एक काम कर सकते हैं, पॉइंट लेंगे, इसके साथ जीरो लिख देंगे। क्या आप बड़ा है? यस। अब हम इसको एक से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि आपका लेस देन 350 मिले, यानी 350 से छोटा मिले। तो इसको हमने एक से गुणा किया तो भाग गया एक बार, फिर हमने इसको घटा दिया। ध्यान रखें हमेशा किस बात का, घटाने पर जो संख्या आई है वो छोटी रहेगी। किससे? जिस संख्या का डिवाइड करें। छोटी है इसका मतलब हमने डिवाइड सही किया है। अब पॉइंट लगा रखा है तो हमारे पास क्या अथॉरिटी है? घटाते जो संख्या है इसके साथ हम एक जीरो लिख देंगे। फिर इसको जैसे हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, तो कितना आ रहा है? यह आ गया आपका, फिर हमने इसको घटाना है, कितना आ रहा है? 801। अब क्या करें? पॉइंट लगा रखा तो फिर इसके साथ जीरो लिख देंगे। फिर इसको जैसे हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे? 5 से, तो कितना आ रहा है? फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना गया? 2 0। पॉइंट लगा रखा, जीरो आ जाएगा। क्या ये 212 से बड़ा है? नहीं है तो फिर डिवाइड कितनी बार हो जाएगा? 0 बार हो जाएगा। इस प्रकार से डिवाइड आपका आगे चलता रहेगा। ये क्या है? भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं? भागफल लिखते हैं। ऐसे हमारे खूब सारे वीडियो आए हुए हैं, उन्हें आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं। धन्यवाद।